की खिड़की पे लड़कती हुई बारिश की बूंदों को देखा है कभी? हमने देखा है। हमने बहुत देखा है। कांच की खिड़की पे लुढ़कती हुई बारिश की बूंदों को देखा है कभी? यूं लगती हैं जैसे किसी मोतियों के हार के मन के हार के टूटने पर बिखर कर फर्श पर फैल जाते हैं, जैसे मोहल्ले की तंग गलियों में शरीर बच्चे दरवाजों पर थपकियां देकर भाग जाते हैं। कभी तो ये अल्हड़ सी बूंदें चुंबक के दो छोरों की तरह एक दूसरे से यूं दूर भागती हैं जैसे इनका किसी से कोई सरोकार नहीं, तो कभी इस तरह करीब आने लगती हैं मानो कब के बिछड़े हुए दो दोस्त आज ना जाने कितने अरसों के बाद मिले हैं, और मिलना भी यूं कि एक सार हो जाए, दोनों में कोई फर्क ना रहे, और फिर अगले ही पल इस उन्माद की इंतहा कहिए या कुछ और की बाहों में बाहें डालकर छलांग लगा दें और खुद को मना कर दें। अटखेलियों की एक छलक दिखाकर कहीं गुम हो जाएं और पीछे छोड़ जाए एक खला, जिंदगी का एक अहम सबक, एक फलसफा, कि जिंदगी का सही लुत्फ लेना है तो कभी किसी उन्माद को सर पे न चढ़ने देना होगा। जिंदगी का सही लुत्फ लेना है तो कभी किसी उन्माद को सर पे न चढ़ने देना होगा। खुश अगर रहना है तो कुछ दर्द भी सहना होगा। बुलंदियों पे हमेशा बने रहने के लिए जमीन से हमेशा जुड़े रहना। यस, जैसे मेरा मैरिज फिक्स होता है उधर से मैंने कुछ लिखा है।